हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले फ्रेंड्स मदर टेरेसा का पोर्ट्रेट। सो आज की इस पोर्ट्रेट को हम बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में क्लियर एक एक चीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो बिल्कुल ध्यान से देखना और ये वीडियो बिल्कुल रियल टाइम रहेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब भी आप फ्री हैंड आउटलाइन बनाओ तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप इसको पेपर पर कंपोज कर लो। कंपोज करने का मतलब ये है कि ये जो फोटो दिख रहा है हमें इस पेपर पे, हम जब इसे ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके का दिखेगा, कहाँ पर पेपर के एरिया पे आएगा। ऐसा नहीं हो कि हम लेफ्ट साइड बना दिए और राइट साइड का एरिया खाली हो गया, या फिर राइट साइड बना दिए और लेफ्ट साइड का एरिया खाली हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट सेंटर पे बनाना है ताकि ये प्रॉपर कंपोज हुआ अच्छे तरीके से लगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्का सा इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जैसे ये फेस है इतना बड़ा, तो आप देखिए ऊपर का हिस्सा खाली है, राइट साइड का थोड़ा। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इस तरीके से जैसे ये ऊपर का हिस्सा हो गया क्लॉथ वाला पार्ट, तो ये क्लॉथ वाला पार्ट हो गया, फिर ये ब्लू लाइन वाला पार्ट, तो ये ब्लू लाइन वाला पार्ट हम यहाँ पर बना लिए। फिर एक ऐसे हल्का सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पहले मैं, फिर एक और ब्लू लाइन वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद ये जो ब्लू लाइन वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ है, जो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो आपको इस तरीके से वहाँ पे इसको भी ऐसे हल्के से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इस तरीके के गई ये हल्का सा टिल्ट है, हल्का सा बिल्कुल, तो यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से कर लेंगे। और ये हमारा फेस कहाँ पे आएगा वो हमें एग्जैक्ट मेज़रमेंट कर लेना है। जैसे हम फेस इतनी दूरी पे फेस बनाएंगे इस तरीके से, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि हमारा फेस कहाँ पे आ रहा है, क्लॉथ कहाँ पे आ रहा है, किस तरीके से हम इसे कंपोज करेंगे वो बस देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर मैं हल्के हल्के से बना रहा हूँ, देखिए इतने में हमारा फेस बनेगा और बाकी ये क्लॉथ का पार्ट हो गया। सो ये देखिए हमारा इतने से ये पता चल रहा है फ्रेंड कि हमारा फेस एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा और बस इधर क्लॉथ का पार्ट आएगा, फेस यहाँ पे बनेगा। सो इस तरीके से हम अपना फेस मतलब पोर्ट्रेट बना सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको लगे कि हमारा पोर्ट्रेट ज़्यादा इधर हो गया या फिर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो गया, तो आप इरेज करके फिर से उसको अच्छे तरीके से बनाइए। और इतना स्ट्रक्चर बनने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं काफ़ी ईजी तरीका बता रहा था कि आपको कुछ भी मेज़रमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो, तो बिल्कुल ध्यान से देखना और ये तो रियल टाइम ही वीडियो है। सो मैं सबसे पहले चीज़ इसमें जो पॉइंट करने वाला हूँ वो फ्रेंड्स है कि जो ये जो पार्ट है कान का, यहाँ से सबसे पहले आपको एक मार्क करना है इस तरीके से। यहाँ पर एक मैं इस तरीके से एक सीधा लाइन बना रहा हूँ, ये देखिए, और बिल्कुल आराम से चलाना है फ्रेंड। पेंसिल मैं यहाँ पर 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको वीडियो में अच्छी तरीके से दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डार्क यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल आप लाइट यूज़ करना। और जब भी आप इस तरीके से बनाएं फ्री हैंड तो एक इरेज़र साथ रखना, मैं इरेज़र भी यहाँ पर निकाल लेता हूँ जो कि मेरे पास ये वाला है। सो देखिए हम यहाँ पे फेस के लिए जो नोज़ का पार्ट है, देखिए यहाँ तक हम इस तरीके से चेक करेंगे कि नोज़ का पार्ट कैसा आ रहा है, और ये नोज़ का नीचे वाला पार्ट आएगा यहाँ पर। और उसी तरीके से हम यहाँ पर एक सीधा लाइन भी बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर हमारा, हम इस तरीके से चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा आई आएगा। तो मैं यहाँ पर एक मार्क बना रहा हूँ जो कि है यहाँ पर इसके लिए, जो कि हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आई बनाएंगे और सेकेंड आई हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर रहेगा। तो देखिए हमारा आई यहाँ पर ड्रॉ होगा और एक आई यहाँ पर ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से हम ये इस तरीके से लाइन खींच के पता कर ली, और सेम उसी तरीके से हम माउथ का भी मार्क कर लेंगे कि हमारा जो हम माउथ बनाएंगे वो एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा। उसके बाद फेस का जो स्ट्रक्चर है सब हम यहाँ पर धीरे धीरे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए जो हमें स्ट्रक्चर बनाए, ज़रूरी नहीं कि हमें सेम स्ट्रक्चर के ऊपर ही वर्क करना, हम स्ट्रक्चर के थोड़ा इधर उधर भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट अगर बनाना है तो हमको ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा फोटो को जूम कर लेता हूँ, और हमारा आई का पोजिशन जो है यहाँ पर निकल चुका है कि हम आई यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो हम यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
उसके जो हमारा बेस जो आई है, बेस हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके बेस पर हम सारे, अगर कुछ फीचर्स मतलब कुछ पार्ट हो गया कि हमारा इस साइड आएगा तो हम उसको भी वहाँ पे थोड़ा साइड करके ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आई ड्रॉ करता हूँ फ्रेंड, बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ पर मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ये वाला लाइन को मैं सेंटर मान के इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। सो यहाँ पर ये आईब्रो है तो आईब्रो के लिए मैं हल्का सा इस तरीके से बना लिया मैं। और आप फ्रेंड बिल्कुल लाइट पेंसिल का ही यूज़ करना ताकि आपको अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप उसे इजीली इरेज कर पाए, क्योंकि डार्क पेंसिल्स ऐसा होता है कि इरेज करोगे तो भी वो अच्छी तरीके से इरेज नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर मैं आईब्रो ड्रॉ किया, आप बिल्कुल पास रख लीजिए स्केच को ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए उसका जो डिटेल है, आप कितने अच्छे से बना पा रहे हैं। सो ये देखिए मैं यहाँ पे आईब्रो बनाया है, उसके बाद आई के जो पलकों का पार्ट होता है ना उसे मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया। और देखिए आईब्रो है, आईब्रो से थोड़ा बाहर निकला हुआ है आई, तो ये सब चीज़ आपको चेक करना है। जैसे यहाँ तक आईब्रो ख़त्म हुआ, और देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ये आईब्रो ख़त्म हुआ, देखिए ये वाला पार्ट है, यहाँ से आगे हमें आई को निकालना है। उसके बाद ये अंदर का आई वाला पार्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक ट्यूटोरियल है फ्रेंड फ्री हैंड का, और मैं काफ़ी और अलग अलग तरीके के ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ इस पर, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए अब आई बॉल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं फ्रेंड किस तरीके का है, तो हमें उसी तरीके से वर्क करना पड़ेगा जैसे ओल्ड ओल्ड लेडी का है, मदर टेरेसा का है, तो काफ़ी कुछ डिटेल रहता है ऐसे फेस पर जो कि रिंकल्स है। तो यहाँ पे देखिए आई को मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, जो लाइट एरिया है वहाँ पे मैं थोड़ा सर्कल बना लिया हूँ ताकि वहाँ पे मैं खाली जगह छोड़ पाऊँ, और ये हमारा आई इस तरीके से तैयार हो गया है। और ऐसा नहीं फ्रेंड कि हमें हमारा जो आउटलाइन बन गया हम सिर्फ इस पे वर्क करें, अगर हम शेडिंग पार्ट में काफ़ी कुछ देखते हैं इसमें शेडिंग पार्ट में कि कहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे शेडिंग हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हमारा आउटलाइन ऊपर नीचे हुआ तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम शेडिंग पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आउटलाइन को परफेक्ट बना सकते हैं। सो अभी तो देखिए इस तरीके से आई मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, और कुछ रिंकल्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। और इसका मैं लास्ट में एक और चीज़ बताऊँगा इसमें वीडियो के लास्ट में कि अगर आप आउटलाइन बना रहे हैं और कुछ मिस्टेक हो तो उसको कैसे चेक किया जाए, क्योंकि फ्री हैंड आउटलाइन बनाने के बाद उसको चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके आपका परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलता है। तो देखिए फ्रेंड ये हम आई बनाएं, फिर आई के ऊपर जो क्लॉथ गया हुआ है हम उसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारा स्ट्रक्चर से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो यही सब चीज़ होता है, स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें प्रॉपर पता चल सके कि हम एग्जैक्ट पेपर पर कहाँ पर हम उसे ड्रॉ करने वाले हैं। सो देखिए यहाँ पर मैं नोज़ का पार्ट को थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सबसे इजी टेक्निक होगा आपके लिए, अगर आपको कुछ भी और डाउट होता है तो मैं और इससे इजी टेक्निक ट्यूटोरियल बनाने का ट्राई करूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। देखिए हम इन्हें यहाँ पर आई ड्रॉ कर लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिंकल्स है। और फ्रेंड्स अगर मुझसे यहाँ पर कहीं मिस्टेक होता है तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं स्किप कर दूंगा वो पार्ट को, ताकि आपको भी पता चले कि मिस्टेक हो भी तो आप उसे किस तरीके से सुधार सकते हैं। देखिए हमने ये आई बनाया, अब आई को यदि सीधा इस तरीके से देखेंगे कि सेकेंड आई उसके किस लेवल पे है तो हमको पता चल जाएगी कि कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मुझे पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो यहाँ से आईब्रो स्टार्ट होता है, सो उस तरीके से हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वाले पार्ट से हम अगर मेज़रमेंट किया जाए तो यहाँ पर हमारा आई बन रहा है।
ये हमारा आईब्रो वाला पार्ट हो गया, और आईब्रो के जस्ट नीचे यहाँ पे पलके वाली लाइन है वो नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल लाइटली है, तो वो भी आपको उसी तरीके से ही ड्रॉ करना है। और ध्यान रहे फ्रेंड, जो कि हल्का फुल्का जो स्ट्रक्चर की तरह हम लाइन बनाते हैं उसे आप बिल्कुल आराम से बनाएं। ये वीडियो हो सकती है फ्रेंड थोड़ी लंबी हो, लेकिन काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। तो ध्यान से देखना किस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, और ये आइज थोड़ा आई थिंक बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे भी हम जो हाईलाइट पार्ट है उसे थोड़ा मार्क कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ पे हाईलाइट होगा, बाकी हम उसे शेडिंग पार्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएंगे। सो यहाँ पे शेडिंग है, यहाँ पे इस तरीके से रिंकल्स जो दिख रहे हैं मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, अब हमारा नोज़ वाला पार्ट आ रहा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो मैं यहाँ पर पहले जो मिस्टेक वाला है उसको पहले इरेज नहीं करना, जो सही वाला है उस लाइन को पहले यहाँ पर बनाऊँ, उसके बाद जो हम जिन हमने जो मिस्टेक किया था वो वाली लाइन को हटाओ। तो इससे पता चलता है कि जो डिफरेंस आ रहा है, हमने जो पहले बनाया उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है वो पता चलता है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है फ्रेंड, और उससे भी ये भी हेल्प मिलता है कि हमें और कितना उसे स्लाइड करना है, जो भी साइड करके कितना बनाना है। सो मैं ये क्लॉथ वाला पार्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं फोटो को कब जूम कर रहा हूँ, कब जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, तो वो भी चीज़ आप ध्यान देना, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। पता चलता है कि सामने वाला किस तरीके से उसे ऑब्जर्व कर रहा है, कब किस तरीके से किस एंगल पर देख रहा है, कब पूरे फेस को देख रहा है, कब सिंगल एक पार्ट को देख रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा नोज़ का पार्ट आ गया, तो हम यहाँ से इस तरीके से लेंगे। देखिए ये नोज़ यहाँ पर है इस तरीके से, तो ये कितना आगे आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ इस तरीके से देखते हैं कि ये जो आई बॉल है उससे थोड़े से स्टार्टिंग से हमारा नोज आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट यहाँ तक हमारा नोज आएगा। सो ये हमारा नोज इस तरीके से हम यहाँ पे इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे माउथ आएगा, यहाँ से हम ले लेते ही थे। मैं यहाँ कुछ कुछ पार्ट को और शेड करते जा रहा हूँ, मतलब इस तरीके से स्ट्रोक, ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारा जो आउटलाइन है सही जा रहा है या नहीं। इस तरीके से यहाँ पे कुछ रिंकल्स हैं।
माउथ वाला पार्ट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पहले तो इस तरीके से ये चेहरे पर ये ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर मैं पहले हल्का सा यहाँ पर ड्रॉ करते जाता हूँ कि कहाँ पे क्या आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर माउथ आएगा कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर कुछ थोड़ी डिस्टेंस में कुछ रिंकल्स हैं यहाँ पर इस तरीके से। फिर उसके बाद ये यहाँ पर का कट है। तो ध्यान देना है कि कहाँ पे किस तरीके से है। आप मेरे आउटलाइन को देखिए ध्यान से, मैं किस तरीके से बनाता हूँ, बना रहा हूँ, और उस चीज़ को फॉलो करते जाइए फ्रेंड्स। ये लिप्स कंप्लीट हुआ, देखिए यहाँ पे हमारा लिप्स कंप्लीट हुआ, ये लिप्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे आप मान सकते हैं यहाँ पर रिंकल्स है। देखिए थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर रिंकल्स है। उसके बाद थोड़ी स्पेस के बाद ये जो हमारा ये वाला पार्ट होता है इतने में कंप्लीट होता है। तो देखिए माउथ के माउथ कितने दूरी पे है। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है। देखिए आई है, आई के जस्ट लेवल पे आई है, तो एग्जैक्ट इस यहाँ तक हमारा माउथ आएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक के हमारा माउथ आएगा। देखिए उसके बाद ये रिंकल्स, और एक तो ओल्ड फेस है तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिंकल्स यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा लाइन हमने ड्रॉ किया था। इसलिए हम जिसका आउटलाइन पार्ट है उसमें जितना कम डिटेल हो सके उतना कम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज होगे। और अगर इस तरीके का ड्राइंग आप ड्रॉ करें तो ग्रिड मेथड से ड्रॉ करें तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें और काफ़ी आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलने वाला है। इस तरीके से अगर ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ छूटते हैं। और अगर आपको एकदम एक्यूरेट ड्रॉ करना है तो आप बिल्कुल ग्रिड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और कमेंट आ रहा था फ्रेंड्स कि ग्रिड मेथड में भी कुछ प्रॉब्लम होता है ड्रॉ करने में, हमको समझ में नहीं आता किस तरीके से करना है। तो मैं उस पर भी एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, तो वो ट्यूटोरियल भी ज़रूर देखना। तो देखिए हम यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट है, इस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ करते जा रहा हूँ। और ये क्लॉथ वाला पार्ट थोड़ा और आगे आएगा। ये देखिए, और हम यहाँ पर एक बार ईयर, यहाँ पे थोड़ा सा ईयर हमें जो नजर आ रहा है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा फेस ड्रॉ हो गया फ्रेंड। अब इसमें थोड़ा कुछ कुछ डिटेल है वो करेंगे, और जो इसका जो एक्स्ट्रा लाइन है हम यहाँ पर इरेज करने वाले हैं पहले। और इरेजिंग के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नॉर्मल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है सकुरा का। आपके पास जो इरेजर है आप उसका यूज़ करना। तो यहाँ पर जितने भी अनवांटेड लाइन है जो हम बेस के लिए बनाए थे वहाँ पर मैं सारी चीज़ को यहाँ पर इरेज करते जा रहा हूँ। आप भी बिल्कुल आराम से करना, ज़्यादा स्पीड से नहीं करना। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट है इसलिए आपको स्पीड लग रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से इसे इरेज किया। तो आप भी बिल्कुल आराम से इरेज करना ताकि हमारा जो आउटलाइन है वो इरेज ना हो जाए। इतना ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर डिटेल वर्क करने वाला हूँ। मतलब आई के पास जितना भी डिटेल है वो सब चीज़ करने वाला हूँ। नोज पर कहाँ पर डिटेल है वो सब चीज़ यहाँ पर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। और फ्रेंड जब भी आप ऐसे फ्री हैंड पोर्ट्रेट बनाओ तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना पेपर से और अपने बीच में। ऐसा नहीं कि हम पेपर पे आग गड़ा के एकदम झुक के टेबल में बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना फ्रेंड। आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ताकि आपको प्रॉपर एक A4 साइज़ का पेपर नज़र आए, और आपको दूर से भी देखने से पता चल सके कि हमारा पोर्ट्रेट जो बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम बनाते हैं अच्छे से, लेकिन हम जब दूर से डिस्टेंस से देखते तो ऐसा लगता है यार इसमें तो कुछ मिस्टेक है, ये तो लग ही नहीं रहा है वो पोर्ट्रेट। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना फ्रेंड कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ताकि आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पता चल सके। और एकदम ऐसा भी नहीं कि आपका टेबल ऊपर है आप नीचे हैं काफ़ी, ऐसा भी ना हो। एक नॉर्मल जो रेंज होता है A4 साइज़ के लिए परफेक्ट, वो आप
सही तरीके से रखना, और ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि बनने के बाद थोड़ा अलग लग रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर आउटलाइन में कितना कुछ डिटेल कर रहा हूँ, जो जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डिटेल वर्क करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिटेल कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक से, या फिर से स्ट्रोक हो गया, रिंकल्स हो गया, उससे पता चलते हैं कि सही जा रहा है या नहीं। अगर कुछ मिस्टेक हो ऊपर नीचे, तो वो सब शेडिंग में भी पता चल जाता है फ्रंट की, यहाँ पे ज़्यादा शेडिंग हो रहा है, यहाँ पे कम स्पेस बच रहा है, तो उसमें भी हम प्रॉपर से कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से आउटलाइन को और ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना भी डिटेल है, थोड़ा बहुत और डिटेल है, उसे दे रहा हूँ। नोज़ ध्यान से देखना फ्रेंड कि किस तरीके से बना हुआ है। काफ़ी मतलब कई बार ऐसा होता है, लगता है कि जैसे नोज़ बड़ा सा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं फ्रेंड। जब उसमें शेडिंग होता है, शेडो पड़ता है, तो परफेक्ट लगता है। और नोज़ बनाने के बाद फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर जो माउथ का पार्ट है वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम टीथ हल्का हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे। प्रॉपर अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन हल्का हल्का सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें जो आउटलाइन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिले। और फ्रेंड्स, मैं फ्री हैंड का और भी अलग अलग ट्यूटोरियल अभी लाने वाला हूँ, तो आप कमेंट बस कर देना कि आपको और फ्री हैंड के ट्यूटोरियल चाहिए या नहीं। मैं काफ़ी अलग अलग तरीके से लाऊंगा, ताकि आप अलग अलग तरीके से एक प्रॉपर बनाना, पोर्ट्रेट बनाना सीख सकें कि हाँ किस तरीके से बनाना है। और सिर्फ हम पोर्ट्रेट ही नहीं बनाएंगे, मतलब फ्री हैंड और भी अलग अलग चीज़ होते हैं, वो चीज़ को भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ पोर्ट्रेट बनाने से हमारा ड्राइंग परफेक्ट नहीं हो जाएगा, और अलग अलग चीज़ बनाना होता है, लाइव स्टडी करना रहता है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी तो यहाँ पर हम पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से डिटेल्स को पकड़ते जा रहा हूँ, और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो वहाँ पर बिल्कुल उसी टाइम इरेज करके परफेक्ट बनाना है। और फ्रेंड, पेंसिल हमेशा शार्प रखना, ताकि आपको अच्छी तरीके से अच्छा लाइन मिल सके, स्ट्रोक मिल सके। और डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डार्क पेंसिल यूज़ कर लिए, और हो सकता है अगर आउटलाइन का स्ट्रोक हो जाए, थोड़ा गड़बड़ हो जाए, और उसे इरेज करेंगे, तो वो कुछ कुछ चीज़ हटता नहीं है। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप लाइट पेंसिल यूज़ करो, और कुछ मिस्टेक होता है तो तुरंत नॉर्मल हम इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए अभी मैं किस तरीके से यहाँ इस वाले पार्ट को इरेज करके फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब बस नीचे का नेक वाला पार्ट है, और कुछ क्लॉथ के पार्ट्स हैं। और फ्रेंड्स, मैं इस पर और ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, बड़े साइज़ के पोर्ट्रेट को भी लेके आऊँगा, कि बड़े साइज़ को पोर्ट्रेट को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और नॉर्मल जो फेस होता है, जिस तरीके का कमीशन वर्क आता है, उस पर भी हम मैं पर्टिकुलर एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा, ताकि आपको पता चल सके कि हम किस तरीके से फ्री हैंड करते हैं, और कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है फ्री हैंड में। और एग्जैक्ट आपको एकदम एक्यूरेट ही ड्रॉ करना है फ्रेंड्स, तो आप ग्रिड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और फ्री हैंड में एक और टेक्निक होता है, जो पेंसिल मेजरमेंट का, वो भी काफ़ी अच्छा उसमें आउटलाइन बना सकते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिस पे मैंने ऑलरेडी 2-3 ट्यूटोरियल बना चुके हैं, सो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड, मैं किस तरीके से क्लॉथ वाला पार्ट बना रहा हूँ। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा है, आप इसे इजिली खुद से ही ड्रॉ कर सकते हैं। जो ये वाला ब्लू वाला लाइन है, कुछ चौड़े हैं, कुछ पतले हैं, तो दो पतले हैं, एक चौड़े, वो सब चीज़ आप ध्यान देना, और वो सब चीज़ को आप ड्रॉ करते जाना।
और फ्रेंड जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं उसे इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर टैग करना, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा ये कुछ इतना कंप्लीट हो गया है। और गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये पोर्ट्रेट कैसा लगा, ट्यूटोरियल कैसा लगा, और जो भी आपका ओपिनियन है आप ज़रूर कमेंट किया करो और लाइक किया करो वीडियो को। सो अभी देखिए हमारा कुछ पोर्ट्रेट इस तरीके का बना है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के ट्यूटोरियल वीडियो लाते रहता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी बनाएंगे अभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।